हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास क्लास फोर्थ। स्टूडेंट, जो आपका एफ ए वन था वो यूनिट फोर तक था। आज से ये एफ ए टू का सिलेबस स्टार्ट हो गया है। ओके स्टूडेंट, ये यूनिट फाइव से है तो यहाँ से एफ ए टू स्टार्ट है जी। तो एक्सरसाइज है जी 5.1, सबट्रैक्ट द फ्लोइंग। स्टूडेंट, आपको क्या करना, जो आपको ये नंबर दिए गए हैं इन्हें आपको सबट्रैक्ट करना है। सीख लीजिए कैसे सबट्रैक्ट होता है। स्टूडेंट, जैसे ये नंबर दिया गया है, इसके नीचे ये नंबर भी लिखा हुआ है ना, इसे कहते हैं कॉलम में अरेंज। जो जिस मेथड से लिखा गया है ये कॉलम में अरेंज है ना, कॉलम में है। तो स्टूडेंट, अगर कभी क्वेश्चन आता है कि भाई कॉलम में अरेंज करो, तो आपको उसे ऐसे ऊपर नीचे लिख के लिखना होता है और माइनस कर देना होता है। ठीक है जी। स्टूडेंट याद रखें, जब भी कोई क्वेश्चन, कोई आपको माइनस का क्वेश्चन दिया जाएगा, तो स्टूडेंट उसमें बड़े वाली डिजिट ऊपर होनी चाहिए और छोटी नीचे होनी चाहिए। हमेशा बड़ी में से छोटे वाली डिजिट को माइनस करते हैं। ठीक है जी। अगर कोई नंबर है स्टूडेंट, तो नंबर में लास्ट की प्लेस देखते हैं, तो जो भी जिसकी प्लेस बड़ी होगी स्टूडेंट, वही नंबर बड़ा होगा, हमेशा वही नंबर ऊपर लिखा जाएगा, और जिसकी प्लेस छोटी होगी वो छोटा होगा, वो नीचे लिखा जाएगा। ओके स्टूडेंट, हमेशा जिसके पास ज़्यादा कोई भी चीज़ ज़्यादा होगी वही तो दूसरों को दे सकता है। अगर हमारे पास कम है तो हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं, अगर हमारे पास चार रुपये। ओके स्टूडेंट, और हमसे कोई पाँच मांग रहा तो हम कैसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो देखिए आप इन्हें कैसे माइनस करेंगे स्टूडेंट। वंस में से वंस माइनस करता है, टेन में से टेन माइनस करता है, हंड्रेड में से हंड्रेड, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड और टेन थाउजेंड। ओके स्टूडेंट, हमेशा वंस वाले डिजिट में से वंस को ही माइनस करेंगे, ऐसे नहीं कि टेंस वाले में से वंस वाले को माइनस कर दी तो गलत हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए, अब हमें इसे माइनस करना है, तो ऊपर फाइव है नीचे थ्री है। तो स्टूडेंट आप सोच लीजिए, आपको पहले ये माइनस करना है इतना ही। ओके स्टूडेंट, देखिए इतना बड़ा सवाल था लेकिन हमने इतने एक सा माइनस करा, तो अब ये जो क्वेश्चन है ये एलकेजी यूकेजी का हो गया है ना, इसे आप बड़े आराम से कर सकते हो। तो आप फाइव में से थ्री माइनस कर दीजिए तो कितने बचेंगे आपके पास, टू। ओके स्टूडेंट, एक मेथड हो रहा है, थ्री से आगे फाइव तक काउंट कर लीजिए, थ्री से आगे फोर फाइव, कितनी लाइन होगी, वन टू, तो टू यहाँ लिख दीजिए। ठीक है जी। अब हमें क्या करना, वन में से हमें जीरो माइनस करनी है। ओके स्टूडेंट, अब जीरो से वन तक काउंट करेंगे, वन, तो वन आ गया, तो वन को यहाँ लिख देंगे। ठीक है जी। अब हमें सेवन में से फोर माइनस करना। ओके स्टूडेंट, आप फोर से सेवन तक काउंट करेंगे, फोर से आ गए फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री लाइन आ गई, तो स्टूडेंट हम थ्री को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है जी। अब हमें टेन में से थाउजेंड में से थाउजेंड माइनस करना, तो स्टूडेंट यहाँ सिक्स है, यहाँ थ्री है, अब थ्री से आगे काउंट करेंगे फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री, तो यहाँ पे आप थ्री लिख देंगे। ठीक है जी। अब टेन थाउजेंड में से टेन थाउजेंड माइनस करेंगे, यहाँ फाइव है, फाइव में से टू माइनस करेंगे, तो स्टूडेंट टू से आगे काउंट कर लेंगे थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री आ गया, तो यहाँ थ्री लिख देंगे और यहाँ भी थ्री लिख देंगे। तो स्टूडेंट ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। आप मान लीजिए नर्सरी के एक दो तीन चार पाँच फाइव क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको नर्सरी क्लास के, है ना, तो ये इस प्रकार हो गए, तो गलत तो होने नहीं चाहिए,
है ना, एक वंश में से वंश को, टेन में से टेन को, हंड्रेड में से हंड्रेड को, थाउजेंड में से थाउजेंड को, टेन थाउजेंड में टेन थाउजेंड को माइनस कर दिया। ठीक है जी, तो आपसे करना आ गया होगा, अब माइनस करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, अब साथ के साथ एक बात और करते हैं। मान लीजिए आपने क्वेश्चन कर लिया और आप सोच रहा ये सोच रहे हैं कि क्या पता गलत है या सही है ना। अगर आपके पास बुक है तो आप आंसर शीट से मैच कर सकते हैं, अगर पेपर में तो आंसर शीट नहीं होगी तो कैसे मैच करेंगे। तो इसके इसके लिए स्टूडेंट एक मेथड होता है, चेकिंग मेथड। अगर हम इसे इस वाले को और जो आंसर आ गया, जो हमारा डिफरेंस आया, स्टूडेंट जब भी किसी दो डिजिट को माइनस करते हैं जो उनका आंसर आता है उसे डिफरेंस बोलते हैं, अंतर। ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें और जो ऊपर वाली डिजिट नंबर है स्टूडेंट अगर वो आ जाए तो हमारा क्वेश्चन सही है। देखिए थ्री और टू कितने होता है, फाइव, अपना फाइव आ गया। जीरो वन कितने होता है, वन, अपना वन आ गया। फोर और थ्री सेवन हो गए, और थ्री थ्री सिक्स हो गए, और थ्री और टू फाइव हो गए। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर इन दोनों को जोड़कर आपकी ऊपर वाली डिजिट आ जाती है, ऊपर वाला नंबर आ जाता है, तो आपका सवाल सही है, अदरवाइज रोंग है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट जो ये ऊपर वाली नंबर है आपका, इसे हम मैन्यूट बोलते हैं, और जो ये नीचे वाली डिजिट है जिसे माइनस करते हैं उसे हम सबट्रैक्ट बोलते हैं। अब जो आंसर आता है इसे हम डिफरेंस बोलते हैं। अगर स्टूडेंट हम सबट्रैक्ट को और डिफरेंस को ऐड कर दें, अगर मैन्यूट अपना आप आ जाए ऊपर वाली डिजिट, तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन सही होता है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर टू। अब स्टूडेंट टू से आगे फोर तक काउंट करिए, टू से आगे थ्री फोर, तो वन टू टू आ गए। अब वन से आगे एट तक काउंट करिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और जी नाइन। स्टूडेंट वन से आगे काउंट करना था, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो कितने रह गए, एट, एट लाइन आ गई। अब टू से आ गए थ्री, तो वन आ गए। अब फोर से आ गए फाइव सिक्स सेवन एट, फोर आ गए। अब वन से आ गए टू थ्री फोर, थ्री आ गए। ओके स्टूडेंट, ऐसा आप इन्हें कर सकते हैं। अब इन्हें ऐड कर लीजिए, टू टू फोर, एट वन नाइन, और वन और टू थ्री, फोर फोर एट, और जी थ्री और वन फोर। तो स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन होते हैं सबट्रैक्ट के, उन्हें साथ के साथ आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर को, उसके लिए आपको आंसर शीट की भी आवश्यकता नहीं है। ओके जी, अब इन्हें माइनस कर लीजिए, फोर में से थ्री माइनस कर दिए, थ्री में फोर में से वन माइनस कर दिए जी, थ्री बच गया। और फोर में से टू टू, फोर थ्री में से टू वन, और नाइन में से फोर फाइव, और एट में से सेवन, एट एट में से बन गए सेवन। ओके स्टूडेंट, अब इन्हें ऐड कर लीजिए, थ्री और वन फोर, टू टू फोर, और टू वन थ्री, फोर फाइव नाइन, सेवन वन एट। ठीक है ना, तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर टू है, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द बॉक्सेस। आपको ये जो बॉक्सेस दिए हैं ना, आपको फिल करने हैं। माइनस का चिन्ह है स्टूडेंट, ये जो चिन्ह होता है माइनस का होता है। आपको अभी हमने समझाया था कि हमेशा वन वंश में से वंश माइनस करते हैं, तो स्टूडेंट पहले हम क्या करेंगे, नाइन में से नाइन माइनस करेंगे, तो नाइन में से नाइन माइनस गए क्या होगा, जीरो। देखो जी, नाइन में से नाइन माइनस कर दिए, जीरो आ गया। ठीक है, अब हम फाइव में से फाइव माइनस करेंगे स्टूडेंट, फाइव में से फाइव माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। याद रखें,
अगर कभी भी दोनों डिजिट सेम होती है, अगर दो डिजिट सेम है, अगर उन्हें माइनस करते हैं तो आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। ठीक है जी, तो हमने जीरो लिख दिया। अब फिर हंड्रेड प्लेस में क्या है, यहाँ पे एट है और यहाँ पे फोर है, तो स्टूडेंट एट में से हम फोर माइनस कर लेंगे, एट में से फोर गए, कितने बचे फोर, तो यहाँ पे फोर आ गया। ये रॉन्ग हो गया भाई, ये हंड्रेड प्लेस थी, हम सेविंग वंस टेंस डाल लेते हैं, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड्स और लैक, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड और लैक। ठीक है जी, तो हमें क्या करना है, अब हमें हंड्रेड प्लेस में से हंड्रेड प्लेस माइनस करनी, तो यहाँ पे एट है, यहाँ सेविन है, तो एट में से आप सेवन माइनस कर देंगे, कितने रह जाएंगे जी वन, तो आप यहाँ पे वन लिखेंगे। ठीक है जी, अब स्टूडेंट थाउजेंड में से थाउजेंड प्लेस को माइनस करना, यहाँ भी फोर है और यहाँ भी फोर है, तो फोर में से फोर गए जीरो। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ टेन थाउजेंड प्लेस पे फाइव है, यहाँ भी फाइव है, तो यहाँ भी जीरो। अब यहाँ पे लैक पे वन है तो यहाँ भी जीरो। तो समझ में आ गया स्टूडेंट, अगर आप ऐसे माइनस करना चाहते हैं, कॉलम में अरेंज नहीं करना चाहते और ऐसे ही माइनस करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट इस प्रकार आप इन्हें माइनस करता कर सकते हैं, वंस टेन डाल के हमेशा वंस वाली डिजिट में से वंस वाली माइनस कीजिए। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा डिफरेंस है और ये हमारा सबट्रेड है, तो हम इन दोनों का ऐड करके मैन्यूड आ जाएगा, तो जीरो जीरो और नाइन कितने हो गए, नाइन है ना। तो स्टूडेंट इस प्रकार आप इन्हें जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था इसी प्रकार ऐड करके देख लेंगे। देखिए अगर आप पे ऐसे नहीं आता, ये क्वेश्चन नहीं आता कि भाई ऐसे आपको डिफिकल्ट लगता है कि ऐसे करना, तो आप इसे ऐसे कर लीजिए, अब जब हम दूसरे वाली नंबर को लिखेंगे तो उसे हमेशा राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे, वंस की साइड से। याद रखें हमेशा एक बॉक्स में एक ही डिजिट लिखे, उससे गलती होने की संभावना नहीं रहती। ठीक है जी, अगर आपने एक बॉक्स में एक डिजिट नहीं लिखी तो क्या होगा, मान लीजिए आपने फाइव को यहाँ बीच में लिख दिया, तो आपको ये नहीं पता चलेगा ये वंस के नीचे है या टेंस के नीचे है, है ना, तो गलत हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, देखिए नाइन में से नाइन गए जीरो, सेम डिजिट होगी तो आंसर जीरो आएगा, एट में से सेवन गए वन, और फोर में से फोर गए जीरो, और फाइव में से फाइव गए जीरो, और वन में से वन गए जीरो। आप आंसर मैच कर सकते हैं, दोनों का एक ही आंसर आया है ना, आप इन्हें ऐड करके भी देख सकते हैं। अब भाई जीरो नाइन नाइन और जीरो फाइव फाइव और सेवन वन एट और जीरो फोर फोर और जीरो फाइव फाइव और जीरो वन वन। ठीक है ना गुरु जी, तो जी स्टूडेंट ऐसे इन्होंने ये बॉक्स दिए गए थे, इन्हें आपको फिल करना है, तो आप रफ कॉपी में इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, रफ कॉपी में जो भी आंसर आएगा फिर उसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आप ऐसे आपको प्रॉब्लम आती है। वैसे तो स्टूडेंट आपको करके देखना चाहिए इस प्रकार, है ना, इन्हें करिए, जब ये आपको प्रैक्टिस होगी करना तभी आता है जब हम किसी क्वेश्चन को करके देखते हैं। अगर हम ऐसे ये सोचे जाएंगे कि भाई ऐसे मार पे आता ही नहीं, तो आपसे कभी भी करना नहीं आनेगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट देखिए वंस टेन डालिए, सबसे पहले वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक। अब आपको करना क्या है जी, आपको वंस में से वंस वाली डिजिट को माइनस करना है, तो दोनों डिजिट सेम है तो जीरो ही आएगा, आप जानते हैं अगर किसी दो डिजिट सेम होती है, मान लीजिए आपके पास फाइव रुपीज़ है और फाइव के फाइव रुपीज़ आप पैसे किसी ने ले लिए, तो आपके पास क्या बचा, जीरो, यानी कि कुछ भी नहीं बचा, है ना।
अब स्टूडेंट ये 10 प्लेस है, ये भी वन है, ये भी वन है, तो वन में से वन गए जीरो। आप ऐसे भी स्टूडेंट लिख के माइनस करके देख सकते हैं, वन में से वन गए जीरो, ठीक है जी। अब 100 प्लेस पे थ्री है, यहाँ भी 100 प्लेस पे थ्री है, थ्री में से थ्री गए जीरो। अब 1000 प्लेस पे स्टूडेंट यहाँ पे फाइव है और यहाँ पे 1000 प्लेस पे फोर है, तो फाइव में से हमने फोर माइनस कर दिए तो वन आ गया, ठीक है जी। अब 10000 प्लेस पे यहाँ सिक्स है और यहाँ पे भी सिक्स है, सिक्स में से सिक्स माइनस करेंगे जीरो आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ लेग प्लेस पे थ्री है और यहाँ पे लेग प्लेस पे वन है, तो हमने थ्री में से वन माइनस कर दिया टू। तो स्टूडेंट देखिए कितना आसान है, सारे क्वेश्चन सिर्फ एलकेजी यूकेजी स्टैंडर्ड के हैं, है ना, आप इन्हें कर सकते हैं। बस मान लीजिए एक साथ आपको कितने सारे क्वेश्चन दे दिए गए, ठीक है ना, लेकिन इसका स्टैंडर्ड जो है वो यही है एलकेजी यूकेजी वाला ही, ठीक है जी। तो बहुत आसान है, अब ऐसे देख लीजिए, हमेशा जब भी डिजिट लिखना शुरू करेंगे स्टूडेंट वंस की साइड से लिखना शुरू करेंगे, याद रखें एक डिजिट को दूसरी डिजिट के नीचे होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि भाई यहाँ जगह बच रही यहाँ जगह रह गई तो हमने यहाँ पर फोर लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा जब आप ऐड करोगे, तो ऐसे नहीं करना, हमेशा डिजिट को डिजिट के नीचे ही लिखें। जीरो में से जीरो गए जीरो, वन में से वन गए जीरो, थ्री में से थ्री गए जीरो और फाइव में से फोर गए वन और सिक्स में से सिक्स गए जीरो और थ्री में से वन गए टू। ओके स्टूडेंट, आंसर मैच कर सकते हैं, दोनों का सेम है, आप इन्हें चेक भी कर सकते हैं, जीरो 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 और जीरो वन वन और जीरो थ्री थ्री और जी फोर और वन फाइव और जीरो सिक्स सिक्स और टू में अगर वन प्लस करेंगे तो थ्री, ठीक है जी। आपका मैन्यूड आ गया डिफरेंस और सब्ट्रैक्ट को जोड़कर, तो ये रफ कार्य था स्टूडेंट आपका, आप इन्हें ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है जी। आप अपनी कॉपी पे पहले रफ कॉपी पे लिख लीजिए, इन्हें माइनस कर लीजिए, फिर जो आंसर आएगा इधर लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप चाहे तो जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था इसे भी इसी प्रकार लिखा रहने दे सकते हैं, ठीक है जी, मिटोने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहे तो आप तो रफ कॉपी पे कर रहे हैं आंसर, आंसर यहाँ लिखेंगे, अब क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर सी कर लेते हैं। ऐसे लिख दिया स्टूडेंट, ये हमारा रफ कार्य है, मान लीजिए हमें ये क्वेश्चन मिला, अब आप इसे रफ कॉपी पे करना चाहते हैं तो आपने ऐसे रफ कॉपी पे लिख लिया, ठीक है जी। अब आप इसे माइनस कर सकते हैं, जीरो टू से थ्री में से टू माइनस कर दिए वन और जीरो बच गई, फोर में से फोर माइनस करके थ्री में से थ्री माइनस करके भी जीरो बच गई, टू में से वन माइनस करके वन बच गया और फोर में से टू माइनस करके टू बच गया। ओके स्टूडेंट, अब आप इन्हें चेक कर सकते हैं, अपने आंसर की जांच कर सकते हैं, जीरो 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 वन और टू थ्री, जीरो फोर फोर और जीरो थ्री थ्री और वन वन टू और टू टू फोर, ठीक आ गया। देखिए स्टूडेंट आपको एक चेक करके दिखा देते हैं, देखिए अब ये वाली ये वाला नंबर हमने यहाँ लिखा, जो डिफरेंस आंसर आया हमारा उसे हमने यहाँ लिखा। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर ये वाला आंसर आ जाए, इन दोनों को ऐड करने के बाद ये वाला आंसर आ जाए, ओके स्टूडेंट, तो हमारा ये क्वेश्चन सही है, अदरवाइज गलत है। जीरो थ्री फोर थ्री टू फोर,
मैच कर लीजिए, 4-4, 2-2, 3-3, 4-4, 3-3 और 0-0 आ गया ना सेम आंसर। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर सही है, तो यहाँ लिख देंगे 0-1, 0-0, 1-2। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 7-1, 3-2, 5-4, 1-2, 0-3, 1-6। अब स्टूडेंट अगर आपसे नहीं आ रहा तो आप वन से आगे, जैसे हमने शुरू में समझाया था, वन से आगे काउंट कर लेंगे, 2-3-4, 1-2-3 आ जाएगा। अब 2 से आगे काउंट कर लेंगे, 3-4-5, 1-2-3 आ गया। अब स्टूडेंट 0 से आगे काउंट करेंगे, 1-2-2 आ गया। और स्टूडेंट 3 से आगे 3 तक काउंट करना, तो कुछ भी काउंट नहीं होने का, तो 0 ही रहेगी। 1-7 करेंगे तो 0 ही रहेगी, और 6 से आगे 7-1, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसे चेक कर लो, 3-1-4, 3-2-5, 2-0-2, 0-3-3, 0-1-1 और 6-1-7। ठीक है जी, तो आंसर को आप अपने यहाँ लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमने आपको इसके दो मेथड बताए हैं, एक तो ऐसे ही आप 1-10 डाल के माइनस कर सकते हैं, एक ऐसे माइनस कर सकते हैं, फिर इन्हें चेक कर सकते हैं, है ना। तो ये 3 के 3 मेथड, अगर आप तीनों मेथड लगा के देखें तो स्टूडेंट कभी भी आपका आंसर गलत आ ही नहीं सकता। अगर किसी ने कहीं कहीं ना कहीं गलत होगा तो आप अपनी गलतियां पकड़ लेंगे, ठीक है ना, कि यहाँ पे गलत हुआ। लेकिन उसके लिए मेहनत तो करनी होगी, बार बार क्वेश्चन को करके देखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया आपके। अब क्वेश्चन नंबर 3 है जी, अरेंज इन कॉलम एंड देन सबट्रैक्ट। अरेंज इन कॉलम एंड देन सब्ट्रैक्ट। तो स्टूडेंट क्या कह रहा है कि पहले तो इन्हें कॉलम में लिखिए, है जी, कॉलम में लिखने के बाद फिर आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि घटाएंगे, माइनस करेंगे। ठीक है जी, कॉलम में अरेंज करने का मतलब होता है स्टूडेंट, जो आपकी मैथ वाली नोटबुक है उसमें जो एक बॉक्स बना होता है, खाने बने होते हैं, उनमें एक बॉक्स में एक ही लिखना होता है। ठीक है जी, उसे ही कॉलम में अरेंज करना कहते हैं। तो स्टूडेंट पहले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि 4,15,378 फ्रॉम माने क्या होता है, से, यानी कि इस पहली वाली संख्या को इस बाद वाली डिजिट में से घटाइए। अगर स्टूडेंट कहीं भी आपको फ्रॉम दिखाई देता है तो आप बाद वाली को, जो बाद में डिजिट है उसे आप ऊपर लिखेंगे, और जो नीचे है, जो पहले लिखी हुई है उसे नीचे लिखेंगे, याद रखें, अगर आपको फ्रॉम मिलता है। ठीक है जी स्टूडेंट, आप जानते हैं हमेशा हमें बड़ी डिजिट ही ऊपर लिखनी होती है माइनस करने के लिए। आप देख लीजिए, 1-10 करके देखिए, 1-10, 100, 1000, 10,000 और लैक, ये 9 लैक है, 1-10, 100, 1000, 10,000 लैक, ये भी स्टूडेंट लैक है। अगर आपने स्टूडेंट यहाँ पे इसे 1-10 करा तो आपको पता चलेगा 4 लैक है और यहाँ 9 लैक है। लास्ट में जिस डिजिट की प्लेस वैल्यू अधिक होगी वही बड़ी होगी। ओके स्टूडेंट, देखिए 9 लैक है और ये 4 लैक है, तो 9 लैक ही तो बड़े होंगे, तो 9 लैक वाली डिजिट बड़ी होगी या 4 लैक वाली होगी। भाई 4 लैक तो छोटी होगी, आप इसमें से इसे कैसे माइनस कर सकते हैं। सबसे पहले आप यही देख लीजिए, चाहे अगर आप भूल जाएं कि भाई फ्रॉम वाली है ये, इसे कैसे माइनस करना है ना, तो आप इस बात को हमेशा जब भी क्वेश्चन करें तो इसको तरह चेक कर ले, जिसकी प्लेस अधिक होगी उसी में से ही माइनस करना, चाहे वो पहले नंबर पे लिखी हो या फिर सेकंड नंबर पे लिखी हो। ठीक है जी, तो याद रखें जब भी फ्रॉम होगा, फ्रॉम माने से होता है, यानी कि बाद वाली में से पहले वाली माइनस करनी है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट अब लिख लेंगे, 9
एट सिक्स फाइव सेवन एट। अब एट सेवन थ्री फाइव वन फोर कर दीजिए, सेम डिजिट है तो जीरो आएगी, सेम डिजिट है जीरो आएगी। फाइव में से थ्री माइनस कर दिए टू, और सिक्स में से फाइव कर दिए वन, और एट में से वन कर दिया सेवन, और जी नाइन में से फोर माइनस कर दिए फाइव। ओके स्टूडेंट, ये आपका आंसर आएगा। आप अपने आंसर की जांच कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आंसर आना चाहिए। जीरो एट एट, जीरो सेवन सेवन, टू और थ्री फाइव, फाइव वन सिक्स, और सेवन और वन एट, और जी फाइव और फोर नाइन। ओके स्टूडेंट, ठीक है ना। अब ये भी ऐसे करना, फाइव सिक्स एट नाइन सेवन एट। अब एट सिक्स फाइव फोर थ्री टू। ओके स्टूडेंट, माइनस कर दीजिए। अगर फ्रॉम लिखा हुआ है तो जो पहले वाली डिजिट है, जो बाद वाली डिजिट है स्टूडेंट, वो ऊपर आएगी, और जो पहले वाली है वो नीचे आएगी। एट में से एट माइनस करेंगे जीरो, और सेवन में से सिक्स माइनस करेंगे वन, और नाइन में से फाइव माइनस करेंगे जी फोर, और एट में से फोर माइनस करेंगे फोर, और सिक्स में से थ्री माइनस करेंगे जी थ्री, और फाइव में से टू माइनस करेंगे थ्री। ओके स्टूडेंट, अब अपने आंसर की जांच कर लीजिए कि भाई सवाल सही हुआ गलत हुआ। एट में जीरो ऐड कर दिए एट आंसर आएगा, सिक्स में वन ऐड कर दिया सेवन आंसर आएगा, फोर में फाइव, फोर में फाइव ऐड करा नाइन ही आया, तो फोर फोर एट ही है, और थ्री थ्री सिक्स आ गया अपने आप स्टूडेंट, और थ्री और टू को जोड़कर फाइव आना चाहिए, तो फाइव ही लिखा हुआ है। अगर किसी कारण ऐसा नहीं लिखा हुआ होता तो स्टूडेंट वो सवाल गलत है, हमें उसे देखना चाहिए। मान लीजिए कि ये सवाल है, स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, हमने मान लिया, अब हमने इसमें से इसे घटा के यहाँ पे वन लिख दिया, और इसमें से सब घटा के यहाँ भी वन लिख दिया, और यहाँ पे वन लिख दिया। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो गया, अब हम इसे देखना चाहते हैं, इसे चेक करना चाहते हैं कि सही है गलत है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को ऐड करने के बाद आंसर ये वन आना चाहिए अपना आप ही, यानी इसे चेंज कर देंगे तो स्टूडेंट जीरो वन वन, ये तो सही है भाई। अब इन दोनों को जोड़कर क्या आना चाहिए फाइव, तो हमने देख लिया भाई वन और थ्री तो फोर होते हैं, और यहाँ तो फाइव है, तो स्टूडेंट यहाँ पे गलती हो गई कहीं ना कहीं, है ना, तो आप उस गलती को सुधार सकते हैं। तो स्टूडेंट आप इसे दोबारा चेक करेंगे, भाई फाइव में से थ्री जाके तो टू आना था, ये हमसे भूल से लिखा गया वन, है ना, तो ये सही हो जाएगा इस प्रकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एट वन सेवन फाइव सिक्स नाइन, ठीक है जी। अब आप इसे माइनस कर लीजिए, सेवन फोर थ्री फाइव जीरो फोर। देखिए स्टूडेंट, जो माइनस के क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं, ये बहुत जल्दी हो जाता है, ऐड की अपेक्षा आसान होते हैं, है ना, इन्हें हम साथ के साथ चेक भी कर लेते हैं। वैसे तो ऐड भी चेक हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि वो चेक नहीं होता, उसका भी चेकिंग हुआ है स्टूडेंट। तो अब नाइन में से हमने सेवन माइनस कर दिए टू, सिक्स में से फोर माइनस कर दिए टू, और फाइव फाइव में से थ्री माइनस कर दिए स्टूडेंट टू, सेवन में से फाइव माइनस कर दिए टू, और वन में से जीरो माइनस कर दिया वन, एट में से फोर माइनस कर दिया फोर। अब आप चेक कर लीजिए, सेवन टू नाइन, फोर और टू सिक्स, और थ्री टू फाइव, फाइव और टू सेवन, जीरो वन वन, और फोर फोर एट, हो गया ना क्वेश्चन सही। देखिए बिल्कुल सही आंसर है, आप ऐसे इन्हें चेक कर सकते हैं।
अगर आप ये स्टूडेंट ये मेथड याद रखेंगे, ये तरीका याद रखेंगे, तो कभी भी आपके माइनस के क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते, ये बात की गारंटी है, अगर आप स्टेप सही करें। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डी वाले पे। तो जी डी वाला क्वेश्चन लेते हैं, 4, 6, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 0, 4, 5, 1। ओके स्टूडेंट, माइनस कर दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 3 है और ये 4 है, तो अब तक जो क्वेश्चन किए थे हमने विदाउट कैरी किए थे, लेकिन इसमें कैरी आ गया है ना। तो स्टूडेंट अगर आप चाहे, देखिए अब तक हम क्या करते आए थे, इधर से एक कैरी लेते थे, तो स्टूडेंट यहाँ पे 13 हो जाएंगे, अब यहाँ पे 1 रह जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, अब आप क्या करेंगे, 4 से 13 तक काउंट कर सकते हैं, 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, अब इन्हें काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो स्टूडेंट यहाँ क्या आ जाएगा, 9। अगर आप 13 में से 4 माइनस करेंगे 9 आएगा, या आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, ये आसान पड़ता है। ठीक है जी, अब स्टूडेंट ये तो जो डिजिट है तो ख़त्म हो गई, अब इसकी जगह क्या बच गई, इसकी जगह 1 बच गई ऊपर, है ना। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आ गया, और 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, और 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, और 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1 आएगा, और 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। अब आप इन्हें ऐड करके देख लीजिए, 9 और 4, 13 कैरी 1 है जी, 1 ये आर 1 कैरी, 1, 1, 2 हो गए, 1 और 0, 1 हो गए, 4 और 1, 5 हो गए, 5 और 1, 6 हो गए, और 3 और 1, 4 हो गए, तो आंसर सही है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। तो स्टूडेंट ये 5 है, 5 में से 3 के माइनस कर दिए 2, और 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3 रहेंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे, अभी हमने यहाँ किए थे तो 2 ही आएगा दोबारा भी, और 6 में से 5 माइनस कर दिया 1, और 5 में से 3 माइनस कर दिए 2, और जी 4 में से 3 माइनस कर दिए 1। तो स्टूडेंट ऐड कर लेंगे, चेक कर लेंगे, अब अपने आंसर की जाँच कर लेंगे, 3 2 5, 3 0 3, 3 2 5, 5 1 6, 3 2 5, 3 1 4। ठीक है जी, तो स्टूडेंट इसे कर लेंगे, 9 3 6 8 6 6 1 4 7 6 2 9, तो स्टूडेंट 6 में से हमने 1 माइनस कर दिए 5, और 6 में से 4 माइनस कर दिए 2, 8 में से 7 माइनस कर दिए 1, और 6 में 6 गए 0, और 2 में से 3 में से 2 माइनस कर दिए 1, और 9 में से 9 गए 0। तो स्टूडेंट चेक कर लीजिए, 5 1 6, 4 2 6, 7 1 8, 0 6 6, 1 2 3, 0 9 9। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस, अंतर ज्ञात करना है, अंतर अगर कहीं भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिले कि फाइंड द डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। सोच लीजिए ये सबट्रैक्ट का क्वेश्चन है, माइनस का है, घटा का है। ठीक है जी, अब आपको 2 डिजिट दी स्टूडेंट, इसमें फ्रॉम भी नहीं है,
बीच में कि आप इस वाले में से सब माइनस कर लेंगे, है है नहीं है ना, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई पहले वाले में से बाद वाले को माइनस करें या माइनस पहले बाद वाले में से पहले को माइनस करें, ठीक है जी। तो स्टूडेंट इसका सीधा समय सीधा सच्चा तरीका होता है वंस टेन डालना, वंस टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड स्लैक वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख। तो स्टूडेंट ये टेन लैख है, ये लैख ही है, तो इनमें कौन सी बढ़िया है, टेन लैख वाली बढ़िया है ना, या स्टूडेंट आप ऐसे भी देख सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है, इस नंबर में सिक्स डिजिट है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इस नंबर में सेवन है, तो जिसमें ज़्यादा जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट होंगे वो ही बड़ा होगा, और हमेशा उसमें से ही माइनस करो, ठीक है जी। तो अब इसमें से माइनस करेंगे वन फाइव थ्री टू ज़ीरो 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 टू वन थ्री फोर सिक्स टू। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक स्पेस खाली है, तो यहाँ पे एक जीरो ऐड कर लेंगे, अब माइनस करेंगे, ठीक है जी। आप जानते हैं देखिए ऊपर बड़ी डिजिट होनी चाहिए, तो यहाँ पे जीरो है यहाँ टू है, तो स्टूडेंट जीरो में से टू माइनस नहीं होने का, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे, तो स्टूडेंट हम कैरी इसके पास कुछ भी नहीं है, तो ये जीरो है और ये भी जीरो है, तो स्टूडेंट जहाँ पे कुछ नंबर होता है वहीं से हम कैरी लेते हैं। अब हम ये कैरी टू से लेंगे और यहाँ पे टेन हो जाएंगे, स्टूडेंट ऐसा नहीं हो सकता कि हम डायरेक्ट वंस पे ले लें, है ना, तो जो प्लेस बाय प्लेस ही चलेगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे वन रह गई, आपने टू में से एक टेन इधर दे दिया, स्टूडेंट यहाँ पे वन रह गए, याद रखें कि लिख ले, याद ना रखे लिख ले ताकि याद रहे, ठीक है जी। अब इसमें से आपने एक इधर दे दिया टेन, तो स्टूडेंट यहाँ टेन थे तो यहाँ नाइन रह जाएंगे, अब आपने यहाँ दे दिया तो स्टूडेंट यहाँ भी नाइन रह जाएंगे, है ना। अब आप टेन में से टू माइनस कर लीजिए, एट आ जाएंगे। अब स्टूडेंट ये जीरो और ये टेन तो खत्म हो गए, आपके पास नाइन बच रहा ऊपर, नाइन में से वन गए एट, अब यहाँ भी नाइन ही है आपके पास, नाइन में से आपने थ्री माइनस कर दिया, तो स्टूडेंट कितने रह जाएंगे सिक्स, है ना। अब स्टूडेंट यहाँ क्या रहेगा वन, वन में से फोर नहीं जाने के, तो आप क्या करेंगे फिर इधर से एक लेंगे, तो यहाँ कितने हो जाएंगे जी अलेवन, और यहाँ कितने रह जाएंगे टू। तो स्टूडेंट अब फोर में से अलेवन में से आपको फोर माइनस करना है, तो जी कितने रहेंगे आपके पास सेवन, है जी। अब यहाँ टू है, टू में से सिक्स माइनस नहीं करने के, तो आप ये दस से कैरी यहाँ ले लेंगे, तो यहाँ फोर रह जाएंगे, यहाँ ट्वेल्व हो जाएंगे, ट्वेल्व में से सिक्स माइनस कर दिए सिक्स बच गए। अब स्टूडेंट यहाँ फोर है, फोर में से टू गए, टू माइनस कर दिए, अब यहाँ वन है, वन में से जीरो कर दिए, तो वन के वन ही रहेंगे, ठीक है। अब आप इसे ऐड कर लीजिए, है ना, ऐड करके देख लीजिए, अगर ये संख्या आती है तो आपका सवाल सही है, वरना गलत है। एट और टू टेन की जीरो कैरी वन, एट और वन नाइन और वन कैरी टेन, टेन की जीरो कैरी वन, और सिक्स और थ्री नाइन और वन कैरी ताजी टेन हो गए, टेन की जीरो कैरी वन। अब स्टूडेंट सेवन और फोर अलेवन और वन कैरी ट्वेल्व, ट्वेल्व का टू कैरी वन, और सिक्स सिक्स ट्वेल्व और वन कैरी थर्टीन कैरी वन, और फोर टू टू फोर और वन फाइव, है जी, और जीरो वन वन। तो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है जी। अब देख लीजिए इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, दोनों में सिक्स नंबर है, ओ सॉरी, इन नंबर में दोनों में सिक्स सिक्स डिजिट है स्टूडेंट, तो लास्ट की मैच कर लीजिए, लास्ट लास्ट में यहाँ पे टू है स्टूडेंट, यहाँ थ्री है, तो टू वाली बड़ी होगी या थ्री, तो स्टूडेंट आप जानते हैं थ्री बड़ा है, तो आपको इसमें इसे माइनस करना है, तो ये बड़ी है ना आ रही, तो इसे लिखेंगे थ्री टू फोर सिक्स नाइन वन जीरो एट सिक्स फोर वन टू, ठीक है जी। वन में से जीरो गए वन ही रहेंगे, नाइन में से एट गया वन बचेंगे, सिक्स में सिक्स गए जीरो बचेंगे, फोर में से फोर गया जीरो, और टू में से वन गए वन, और टू में से थ्री में से टू गए वन। ओके स्टूडेंट ये आपका आंसर आ गया, और जो बिल्कुल सही है आप चाहे तो इसे चेक करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सी वाला,
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। स्टूडेंट दोनों में सिक्स डिजिट है लेकिन यहाँ पे फोर है, यहाँ एट है, तो एट वाली बड़ी है। एट टू वन एट नाइन सिक्स फाइव सेवन सिक्स जीरो वन फोर, माइनस कर लीजिए। सिक्स में से फाइव गए वन, नाइन में से सेवन गए टू, और एट में से सिक्स गए टू, और वन में से जीरो माइनस करेंगे तो वन ही आएगा, टू में से वन माइनस करेंगे स्टूडेंट वन आएगा, एट में से फोर माइनस करेंगे तो फोर आएगा। ठीक है जी, आप इसे चेक कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कीजिए, अगर ये आंसर आ गया तो सही है वरना गलत है। ओके स्टूडेंट, वैसे तो 100% सही है, देख लीजिए। फाइव और वन सिक्स, और सेवन टू नाइन, और सिक्स टू एट, और जीरो वन वन, वन वन टू, और फोर फोर एट। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डी की वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव। तो स्टूडेंट जिसमें जिस नंबर में डिजिट ज़्यादा होंगी वही बड़ा होगा, है ना। इसमें सिक्स है तो यही बड़ा है। फोर टू नाइन थ्री फाइव वन जीरो नाइन नाइन एट सेवन, ये स्पेस खाली रहेगा तो यहाँ जीरो ऐड कर दी। अब स्टूडेंट वन में से जीरो माइनस करना आपको, तो स्टूडेंट वन ही बचेगा। अगर आपके पास कुछ भी रुपीज़ है, वन रुपीज़ है, मान लीजिए कोई आपसे जीरो रुपये लेता है, तो जीरो का मतलब क्या होता है कि आपसे कुछ भी नहीं लिया, तो आपके पास वन का वन ही रहेगा, है ना। अब स्टूडेंट यहाँ फाइव है, फाइव में से नाइन माइनस नहीं हो सकते, तो इधर से हमने एक के ले लिया, यहाँ पर टू रहेगी। ओके स्टूडेंट, अब फिफ्टीन में से आपको नाइन माइनस करना, तो आप नाइन से आगे फिफ्टीन तक काउंट कर सकते हैं। नाइन से आगे टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, अब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो स्टूडेंट सिक्स आ गया। अब टू में से नाइन नहीं जानेगा तो वन के लिए इधर ले लिया स्टूडेंट, यहाँ ट्वेल्व हो गया, यहाँ एट रह गए, साथ ही साथ लिख लेना चाहिए। अब नाइन से आगे टेन अलेवन ट्वेल्व, तो स्टूडेंट यहाँ पे थ्री आ गया। अब यहाँ एट है, यहाँ भी एट है, एट में से एट चले गए, क्या बचा जीरो। अब स्टूडेंट यहाँ टू है, टू में से सेवन नहीं जाने का, तो स्टूडेंट यहाँ पे ट्वेल्व हो जाएंगे और यहाँ थ्री रह जाएंगे। ठीक है जी, अब ट्वेल्व से सेवन से आगे ट्वेल्व तक काउंट कर लीजिए, सेवन से आगे एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व, कितने हो गए जी फाइव, फाइव लिख दीजिए। अब थ्री में से जीरो माइनस करेंगे तो स्टूडेंट थ्री का थ्री रहेगा। अब ऐड करके देख लीजिए, जीरो वन वन, नाइन सिक्स फिफ्टीन कैरी वन, नाइन वन टेन और थ्री थर्टीन कैरी वन, नाइन एट और वन नाइन, और फाइव और सेवन ट्वेल्व का टू कैरी वन, और थ्री और वन फोर। ठीक है जी, अभी देख लीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स डिजिट है जी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, दोनों में सिक्स सिक्स है, तो स्टूडेंट यहाँ पे थ्री है, यहाँ फाइव है, तो फाइव वाली डिजिट बड़ी होती है। फाइव थ्री सिक्स नाइन वन नाइन एट जीरो वन टू फोर थ्री, अब इन्हें माइनस कर दीजिए। एट नाइन में से एट गए वन, और वन में से जीरो गए वन, और एट नाइन में से वन गए एट, और टू सिक्स में से टू गए फोर, और थ्री में से फोर स्टूडेंट माइनस नहीं हो सकते कि इधर के ले लिए, यहाँ थर्टीन हो गए। अब स्टूडेंट थर्टीन में से आपको फोर माइनस करना, या तो आप फोर से आगे काउंट कर लीजिए है जी, या देख लीजिए, तो स्टूडेंट क्या रहेगा, फोर से आगे फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन, कितने हो गए जी थ्री, और थ्री सिक्स थ्री नाइन, तो स्टूडेंट नाइन आ गया, और यहाँ कितने रह गए थे स्टूडेंट फोर, फोर में से थ्री गए वन। अब ऐड कर लीजिए, एट और वन नाइन, जीरो वन वन, एट और वन नाइन, फोर और टू सिक्स, नाइन और फोर थर्टीन कैरी वन, वन वन टू,
3, 5 ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस नंबर में 6 डिजिट है तो यही बड़ा होगा, तो 1, 7, 5, 6, 8, 9 8, 7, 5, 4, 6 यहाँ एक पे कम था स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, 0 ऐड कर लेंगे, और 9 में से 8 गए 1, 8 में से 7 गए 1, और 6 में से 5 गए 1, और 5 में से 4 गए 1, और स्टूडेंट 7 में से 6 गए 1, और 1 में से 0 गए 1। ओके स्टूडेंट, देखो 8 और 1 9 7 और 1 8 5 और 1 6 4 और 1 5 6 और 1 7 और 0 1 1 तो सही है ना। तो स्टूडेंट इस प्रकार जो आपकी एक्सरसाइज थी 5.1 ये कंप्लीट हो चुकी है। ओके स्टूडेंट, ये एफए 2 की आपकी पहली यूनिट है, ठीक है जी। इससे ही आपका नेक्स्ट जो कोर्स सिलेबस शुरू होगा स्टूडेंट वो 5.1 से ही होगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट आप इन्हें अपनी रफ कॉपी लें और ये सभी क्वेश्चन निकाल निकाल के देखिए, ताकि आपको अगले वाले आने वाले समय में इन क्वेश्चनों को निकालने में बहुत आसानी हो सके, है ना। तो आप पहले से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने की। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।